अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया मुकद्दस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए क्या बना रही हूँ, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मांडा पट्टी, तो समोसा पट्टी, रोल पट्टी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है 2 कप, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। हाथ मैंने अपने धो लिए हैं, नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें आटा गूंदेंगे जिससे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर के लिए। ये देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने गूंद लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट। तो आटा जो है वो हमारा रेस्ट के लिए हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे। पेड़े बना लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आटा जो है वो रेस्ट के लिए हमने छोड़ा था। हम इसके पेड़े काट लेते हैं। हम इसके एक एक करके पेड़े बना लेंगे। अब आपको बाजार से नहीं, अब आप खुद घर पे बनाएं मांडा पट्टी, इसी तरह हम करके सारे पेड़े बना लेंगे। ये देखिए पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम एक एक करके इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इस तरह करके अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। एक गोल सी हमने रोटी बेल लेनी है, ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। ये हमने एक रोटी बेल ली है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब हम इसी तरह की ही दूसरी बेल लेंगे। इसी तरह ही हम अपनी सारी रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए सारी हमने रोटियां इस तरीके से बेल ली हैं, इक्वल साइज़ में हमने सारी रोटियाँ बेल ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मैंने बेली हैं। आप इससे ज़्यादा भी बेल सकते हैं, इससे ज़्यादा आटा गूंद सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक रोटी पे लगाना है हल्का सा ऑयल, तकरीबन 1/2 टीस्पून ऑयल। इसको अच्छे से पूरी रोटी पे हम लगा देंगे, सारी पे लगाना है, ठीक है। अब हम एक रोटी लेंगे दूसरी, वो इसको इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फिर हम ऑयल लेंगे 1/2 टीस्पून, इसको फिर हम इसके ऊपर पूरा फैला देंगे। अच्छे से फैलाना है। थर्ड को इसके ऊपर डाल देना। इसी तरह ही हम करते रहेंगे। ये देखिए अभी हमारी लास्ट रह गई है, इसको भी हम आपके सामने ही इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम इसको बेलेंगे, इसको हम अच्छे से बेलेंगे। एक पतली सी करके हम इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए हम इसको बेल रहे हैं। कितना तवा है उस मुताबिक आप उसको बेल लें। तो ये हमारी रोटी जो है वो इतनी काफ़ी है, इतनी हमने रोटी बेल ली है। अब जो है हम चूल्हे के ऊपर तवा रखने वाले हैं, हम
हमने इसको फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम टू स्लो कर देनी है ताकि तवा जो है वो हमारा फ़ौरन से गर्म ना हो। हमने मीडियम टू स्लो कर दी है इसकी फ्लेम। अब मैं इस रोटी को तवे पर डाल दूँगी। अब जो है वो मैं रोटी तवे के ऊपर डाल रही हूँ। जो रोटी है हमने तवे पर डाल दी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम है। स्लो फ्लेम में हमने इसको 1 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल नहीं पकाना है, हाफ कुक करना है। ये देखिए एक साइड से हमारी रोटी जो है वो हल्की हल्की सिक चुकी है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि नहीं है सिर्फ सिकी है। ये देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज की। अब 1 मिनट हम इसको दूसरी साइड पे पकाएंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। ये देखिए अब मैं इसको प्लेट्स में निकाल रही हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको प्लेट्स में निकाल लिया है। अब आपने इसको ठंडा करना है, आपने इसको फौरन से ही इसे, ये देखिए इसकी जो यहाँ से ये लिखन लिया स्टार्ट हो रही है पट्टी की, लेकिन आपने फौरन नहीं करना, ये गरम गरम है। तो जैसे ही इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ठंडा करते हैं उसके बाद हम इसकी पट्टियाँ निकालते हैं। ये देखिए अब मैं इसको इसके साथ से इस तरह करके निकाल रही हूँ। ये वाली हमने निकाल ली है। ये देखिए ये वाली रह गई है, इसको भी मैं आराम आराम से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना है। ये देखिए बहुत ही ये देखिए हल्के से साइड से हो गई है। अब हम इसको लैदा करते हैं। अब हम अपनी सेकंड वाली निकालते हैं। ये देखिए अब मैं इसको कट करूँगी। कट करके फिर मैं आपसे ये देखिए हमने अब चारों तरफ से काट लिया। अब इस साइड से भी हम इसको यूं तरफ इस तरह करके काट लेंगे। ये देखिए ये हमारी जो है वो रोल पट्टी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसकी बिल्कुल जो है वो अलहदा अलहदा पट्टियाँ हो चुकी हैं। अब आप इसको फ्रीज़ करें और आराम से अपना रोल समोसे जो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।